इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारत को लेकर आईसीसी पर लगाया यह आरोप। नमस्कार दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के अनुकूल पिच तैयार नहीं करने के लिए बीसीसीआई की आलोचना करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि भारत को अपनी मनमर्जी चलाने के लिए जितनी अधिक छूट दी जाएगी उतना ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बेअसर नजर आएगी। इंग्लैंड को गुरुवार को तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारत ने 4 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बना ली। वॉन ने डेली टेलीग्राफ में लिखा, भारत जैसे शक्तिशाली देशों को इसके लिए जितनी अधिक छूट दी जाएगी आईसीसी उतना अधिक बेअसर नजर आएगा। उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, भारत जैसी पिच तैयार करना चाहता है, खेल की संचालन संस्था उसे इसके लिए छूट देती है और इससे टेस्ट क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। वॉन ने लिखा, शायद पर सरक अपने नुकसान की भरपाई की मांग करे तो ही हालात बदलेंगे। खिलाड़ियों के खराब खेलने पर वे मैच जल्दी खत्म होना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मेजबान बोर्ड की ऐसी खराब पिचे बनाने पर नहीं। वॉन ने लिखा, उनके 3 दिन खराब हुए, लेकिन प्रोडक्शन को तो पैसा देना ही है, वे खुश नहीं होंगे और आगे से टेस्ट मैचों के प्रसारण अधिकारों के लिए 2 बार सोचेंगे। उन्होंने भारत की जीत को खोखली कहा, लेकिन स्वीकार किया कि मेजबान टीम बेहतर थी। उन्होंने कहा, भारत ने तीसरा टेस्ट जीता, लेकिन यह खोखली जीत थी। इस मैच में कोई विजेता नहीं रहा। भारत ने अपना कौशल दिखाया और यह मानने में कोई बुराई नहीं है कि उपमहाद्वीप के हालात में वह बेहतर टीम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।